क्योंकि यहाँ से अभी जैसा सभी साथी 1.5 साल का कार्यकाल हुआ है और यहाँ से जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा देकर पुनः यहाँ पे चुनाव करवाने के एक बोझ सरकार के ऊपर भी और जनता के ऊपर भी डाला गया है, जबरन बोझ है। मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं उनको चुनाव को लड़ना पूरी गहराई से, ये हम सबका दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है। और उसी क्रम में हम सब आपके बीच में यहाँ पे उपस्थित है। हमारे बीच में उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी, ठाकुर कौल सिंह जी और जो हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे भाई डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जी, हमारे बीच में अभी राजेश धर्मानी जी भी थे, सुरेश कुमार जी भी जो विधायक हैं भोरन से, और श्री रंजीत सिंह राणा जी जो अभी हमारे हाल ही में नए विधायक बने हैं सुजानपुर से, और श्री धीरज देसाई जी जो हमारे AICC के ऑब्जर्वर है, RC डोगरा जी और सभी सम्मानित मंच के ऊपर, और सब हमारी माताएं, बुजुर्गवान और युवा साथी। आप जानते हैं कि जैसा अभी धर्मानी जी भी कह रहे थे कि प्रदेश में एक मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की कार्यरत है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, और निश्चित तौर से जैसा अभी मंत्री जी भी कह रहे थे कि जिला हमीरपुर से संबंध रखते हैं, तो ये आप सबका भी और हम सबका ये दायित्व बनता है कि सरकार को मजबूत करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए यहाँ से ये जो सीट है हमीरपुर की, ये कांग्रेस पार्टी की झोली में आनी चाहिए, ताकि एक स्वर में, एक आवाज में हम यहाँ के विकास कार्यों को गति आने वाले समय में दे। इस इलाके को आगे ले जाने का दायित्व प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना है, और हम सबका ये जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ पे चाहे हमारे पेयजल योजनाओं की बात है, चाहे सिंचाई योजनाओं की बात है, चाहे सड़कों के निर्माण की बात है, चाहे रोजगार के साधनों को पैदा करने की बात है, हर दृष्टि से सरकार बेहतरीन काम कर रही है। ये जरूर है कि प्रदेश में एक वित्तीय परिस्थिति पिछले काफी दिनों से, काफी सालों से बनी हुई है, जिसकी वजह से जितनी मजबूती से कार्य होना चाहिए उसमें थोड़ा सा विराम जो पीछे आपदा आई उसकी वजह से भी लगा, मगर अब पूरी मजबूती से सरकार आगे बढ़ रही है, और हर दृष्टि से सड़कों के निर्माण में खास रूप से जो जिम्मेवारी हमको दी गई है उसमें लगातार प्रदेश में 1.5 साल के कार्यकाल में करीबन 2800 से 3000 किलोमीटर सड़कों का, नई सड़कों का हमने जो है वो नवीनीकरण करने का कार्य प्रदेश के अंदर किया है। इसके अलावा करीबन 800 से जो है 1000 किलोमीटर नई सड़कें प्रदेश के अंदर बनाई जा रही है, और उसी तरीके से अभी हमारा नेशनल हाईवे की भी बात हुई, जो आपका शिमला से लेकर मटौर तक जो नेशनल हाईवे 4 लेन का प्रस्तावित है, इसमें खास रूप से मुख्यमंत्री जी ने भी ये निवेदन केंद्र सरकार से किया है। अभी मैं हाल ही में गडकरी साहब से दिल्ली में मिला और उनसे भी हमने ये निवेदन किया है कि आपका जो इसमें हमीरपुर का सेक्शन है इसको 2 लेन से बढ़ाकर जो है वो 4 लेन आने वाले समय में करना है, और इसको इसको जो हमारा यहाँ की जो DPR बनाई जा रही है उसमें इसको डाला गया है, ताकि आपकी जो जमीन की इस इलाके में कीमत है जहां से भी ये प्रस्तावित होगा 4 लेन, उसकी कीमतें भी बढ़ेगी, क्षेत्र के लोगों को उसका फायदा होगा, और जो ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, 4 लेन बनाया जा रहा है, इसका फायदा इस क्षेत्र के लोगों को आने वाले समय में मिलेगा, इसके लिए भी हम पूरे तरीके से वचनबद्ध हैं। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि प्रदेश में तो हम निश्चित तौर से विकास कर ही रहे हैं, मगर केंद्र से भी जो सहयोग हिमाचल के लिए लेकर आना है उसमें भी हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो CRF का बजट प्रदेश में लाना है, चाहे वो PMJSY का बजट प्रदेश में लाना है, सड़कों के निर्माण कार्यों को आगे ले जाने के लिए हम निश्चित तौर से हर संभव तरीके से प्रयास कर रहे हैं, और रोजगार के साधनों को प्रदेश में और मजबूत करने के लिए अभी हाल ही में आपने देखा जो आखिरी हमारी कैबिनेट की बैठक हुई उसमें करीबन 8000 नई पुलिस की भर्तियां की स्वीकृति भी सरकार ने दी है, और आज तक
15-16 महीने के कार्यकाल में करीबन करीबन 30,000 सरकारी नौकरियां जो है वो सरकार ने अलग अलग विभागों के अंदर दी है। तो ये आज हम सब का दायित्व बनता है कि जैसा अभी धर्मानी जी भी कह रहे थे कि ये केवल एक राजनीतिक संदेश की बात नहीं है, ये हमीरपुर के राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखना भी आप सबका दायित्व है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना, सरकार के हाथ को मजबूत करना, कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत करना और सरकार जो वैसे ही स्थिर है उसको और मजबूत करना, ये हम सबका दायित्व बनता है, जिसमें आप लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमको चाहिए। और आने वाले समय में हम आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। जो भी यहाँ के विकास कार्य यहाँ के माननीय विधायक आने वाले समय में उठाएंगे, मुख्यमंत्री जिसमें अपना पूरा हस्तक्षेप करेंगे, उसमें हम अपना पूरा सहयोग और समर्थन देंगे और इलाके को आगे ले जाने में अपना पूरा योगदान आने वाले समय में देंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन रहेगा कि आपने यहाँ से डॉक्टर साहब को, जो एक समाज सेवी हैं, पढ़े लिखे हैं और समाज के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, उनको यहाँ से जिताकर सरकार को मजबूत करना है और मिलकर हम इस इलाके में और विकास के कार्यों को आगे लेकर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।